साथियों, आज मुझे ये जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री गुरमीत सिंह शंटी जो जनरल सेक्रेटरी है डीजीपीसी के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यानी कि दिल्ली की जो पूरी गुरुद्वारा कमेटी है जिसके अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह सरना है और जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह शंटी है, वो गुरमीत सिंह शंटी जनरल सेक्रेटरी डीजीपीसी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारे बीच में है और हमारे मानना है कि दिल्ली के सिख समुदाय में विशेष रूप से इस बात का उत्साह जाएगा, रहेगा, स्थापित होगा कि एक इलेक्टेड मेंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा वो भी अपनी तरफ से कुछ कहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जहाँ तक दिल्ली में सिखों की बात है, दिल्ली कम्युनिटी की बात है, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि सब पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बहुत गहरा रिश्ता रहा है। समय समय पर पुराने जी के समय भी मुझे याद है कि दिल्ली के संपूर्ण सिख में से कम्युनिटी 78% कम्युनिटी है वो सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और समय समय पर उसने समाज में कौन के लिए अपनी भागीदारी हमेशा साबित की है। तो मैं भी आज हर्ष का अनुभव करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आप और अपने धर्म संपत्ति श्रीमती सुरेंद्र कौर के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मेरी सोच जड़ी एज जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच है और दिल्ली के सिखा दी, दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारों की, दिल्ली के विद्यक अदारों की, उन्हों की डिवेलपमेंट, उन्हों की सेवा मेरा उत्थे एक एजेंडा है। जदों सीट के उत्ते बैठागा वो रिलेटिड ही सारिया गल् करा, रिलेटिड सारे फैसले करा कि सिख पंथ किस तरह चढ़ती कला के जा सकता है। गल जिथे तक भारतीय जनता पार्टी की है, जो समाज की गल आएगी, कौम की गल आएगी, अपने इलाके की सेवा की गल आएगी, तो मैं नहीं समझता कि उस टाइम दोनों के बीच किसी तरह का कोई कलैश होएगा। मैं ईश्वर की कृपा रही तो बड़ी अच्छी तरह तालमेल करके इस अपना जो भी सेवा मिलेगी उन्होंने कराँगा। ऐसी कोई गल नहीं है, मैं अज भी अगर इस बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर रहा तो अपने प्रधान साहब सरदार परमजीत सिंह जी सरना की मर्जी के नाल और उन्होंने निगरानी के इस गल का पूरा पता है कि अज मैं बीजेपी ज्वाइन कर जा रहा। उन्होंने किसी तरह का कोई इतराज नहीं है, उन्होंने क्लीयर एजेंडा रखा है कि साड़ी पार्टी का श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का कोई भी सिपाही अगर समाज के किसी भी पार्टी जुड़ के अगर समाज सेवा करना चाहता तो असं उसके रस्ते ही रोला नहीं है। मैं तुम्हें याद कराना चाहवागा माजली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए, वो कापी सी डी मैं तुम्हें भेज देंगा। वोदे पत्रकार मित्र ने एक सवाल किया कि जी अज जो कांग्रेस भी चल रहा है, कांग्रेस पैरल खड़े होकर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, तो उसी टाइम साढ़े प्रधान साहब ने कहा कि साड़ी जी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली है वो एक रिलीजियस पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी का उस नाल कोई मैटर नहीं है, तुसी कहोगे तो तुहानूं मैं उहदी सीडी भेज देंगा।